शख्सियत इंसान की गुस्से में बाहर आती है। अभी कुछ बाल आप बाजू का बैठे होते किसी के साथ, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा, अचानक से देखते हैं घर में गए तो किस पे चीख रहा है? बच्चे पे चीख रहा है। बच्चा नादान है, बच्चा है। आप इन बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो छोटा बच्चा हो 8-9 साल का, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे ये होती है जैसे मैट्रिक पास बच्चे से है। 10 दफा समझाया था मगर खुदा ने आपको नहीं 100 दफा समझाया, और आप कितनी दफा गलती कर रहे हैं। और अगर वो अपनी रहमत को अटा दे एक दफा में ही, अल्लाह अकबर। अजीजाने मोहतरम, वो रहमत है, यही तो उसकी खासियत है कि वो बदियां करने के बावजूद भी सत्तार है मेरे गुनाहों का। अभी आपको थोड़ी बताए मैं बहुत अच्छा नजर आ रहा हूं, ये खुदा है कि जिसने मेरी अच्छाइयों को आपके लिए मशहूर किया हुआ है और मेरी बुराइयों को छुपाया हुआ है। वो मैं भी बच्चे के साथ वैसे ही करूं जाने, वो बच्चा है, हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए। मैंने कई बच्चे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा, खुद भी मैं आप में से उन्हीं में शुमार करता हूं अपने आप को, क्योंकि मेरी तरबियत नहीं हुई हुई है तो मैं बच्चे की तरबियत करने चला हूं। और जौजा के साथ भी यही मसला है जियाने मोहतरम, मैंने महदूद टाइम को अपने लिए कमाल देखता हूं। खामोश तहम्मुल करें, बाज़ वक़्त आपका तहम्मुल आपकी जिंदगी में बरकत अता करता है। मादियत है जियाने, हर एक शख्स को ट्रीट करें एक इक्वेशन की तरह, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना डिसॉल्व करना है।